हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल प्लस। तो आज हम लोग सिखाएंगे कि हम लोग पार्ले जी से कैसे गुलाब जामुन बनाएं। लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है, पर इस थोड़ा थोड़ा फट गया है। ये पार्ले जी बिस्किट को ग्राइंड कर लिए हैं। पार्ले बिस्किट को ग्राइंड करने के बाद ऐसा दिखता है। पार्ले जी बिस्किट से गुलाब जामुन बनाएंगे, पता चल गया होगा। ₹3 वाला पैकेट हमारे पास था, तो इसको अभी जस्ट ग्राइंड कर दिए। और ये इसमें क्या है कराही में? इसमें चाशनी बन रही है। क्या क्या डाले? चीनी, पानी और एक इलायची। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और एक इलायची इसमें डालेंगे। फिर एक इलायची को ग्राइंड करके इसमें डाल दिए। अभी दूध देंगे, दूध देके डो बना लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे। ये मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा यूज़ कर ले रही हूँ बाइंडिंग एजेंट के लिए। तैयार है। अभी दूध डालेंगे इसमें। ये वाला दूध का पैकेट यूज करेंगे। अमूल ताजा। धीरे धीरे से दूध डालेंगे। डो बनाने के लिए ज़्यादा डाल देंगे दूध, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। ऑलमोस्ट रेडी है। अभी धीरे से ऑफ कर देंगे। इसे डाल के और थोड़ा सा अच्छे से डो बना लेंगे। तेल डाल रहे हैं। कुकिंग ऑयल नॉर्मल तो वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं। इट्स सनफ्लावर, सॉरी सनफ्लावर। लॉकडाउन में हमको बहुत बार मन हो जाता है कि कुछ खाए, कुछ मिठाई खाए, तो जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है दुकान में, तो इसीलिए ये बहुत इजीली बना सकते हो। पार्ले जी बिस्किट कोई सा भी दुकान में अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल है, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो देखिए इधर रेडी है, और अभी इसको बना लेंगे इससे। तो देखिए ये बन के तैयार है, कितने अच्छे से बना है ये। हाँ, तो देखिए ये ऑलमोस्ट मैंने इधर से अच्छे बना लिया है। अभी अब चल रही है प्रोसेस। अभी देखिए तेल गरम है, और ऐसे करके छोड़ देंगे। बहुत अच्छा कलर आ गया, पूरा गुलाब जामुन जैसे अभी से बन गया। और एक चीज देखिए आप लोग कि ये जो चाशनी है ये भी साइड में गरम करके रखना है, ये भी एकदम गरम गरम ही होनी चाहिए। और ये जो अभी जब फ्राई कर रहे हो तो गैस एकदम धीरे करके दीजिएगा, फिर क्या होगा अंदर जो है वो अच्छे से होगा, अदरवाइज अंदर कच्चा रह जाएगा, बाहर का क्रस्ट जल जाएगा। तो एकदम स्लो में देके तलना है। फिर अभी बाकी बना लेते हैं बाकी डोज से। फिर देखिए पूरा कलर आ गया, कलर अभी से आ गया है। फिर मैं एकदम स्लो पे रखी हूँ, ऐसे करके ये लो फ्लेम में रखना है, एकदम सिम पे रखना है रेदर। तो उठाने वाली हूँ। रेडी हो गया, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अभी इसको क्या करेंगे डायरेक्टली जो इसमें इसमें छोड़ देंगे, गर्मा गर्म छोड़ना है। एक्चुअली मुझे ये चेंज करना होगा इसको, क्योंकि इसमें प्रॉपरली दूध नहीं रहा है। हाँ, छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको चेंज करते हैं। गेहूं
और भी छोटा चाहिए था क्या? और ये लंबा वाला कर लो। तो मैं इसका शेप थोड़ा बदल दी हूँ। ये चम चम ना क्या बोलते हैं इसको? लहचा चम चम। देखो ये लंबा लंबा। हाँ, इसका शेप थोड़ा चेंज कर दी हूँ। और इसको थोड़ा सोप, ये 15 से 20 मिनट तक आपको इसको सोप करना है। मैं कभी घर का बनाया हुआ गुलाब जामुन रेडी। तेज बोलूंगा, तेज। 20 मिनट में? 15 मिनट में। मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ कि कोई माइक्रोफोन नहीं करेगा कुछ। सुपर फास्ट, तुम इतना बोलो तो कोई माइक्रोफोन नहीं काम करेगा दुनिया का। आप लोगों को एक चीज मैं बता देती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स। ये है कि गुलाब जामुन मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम ट्राई की। मैं नॉर्मली गुलाब जामुन बनाई हूँ आटे से, खोआ से, लेकिन इसमें एक ट्रिक चीज़ क्या है, एकदम ही धीरे देना है आप, आपको फ्राई करना है। ये बता के देती हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल में मैं देखती हूँ, ये कोई नहीं बोलता है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत ही धीरे से आप लोग फ्राई कीजिएगा एकदम सिम पे रख के, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी आपका रेड हो जा रहा है बाहर का, लेकिन ऊपर में कच्चा कच्चा रहेगा। तो ये चीज़ आज का ट्रिक एंड ट्रिक है। बन गया आज का थोड़ा सा टेढ़ा मेरा गुलाब जामुन, बट खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, प्लीज़ बनाइए। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो ऐसे बना है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको ज़रूर अच्छा बनाने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये शेप ना थोड़ा क्रैक आ जा रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, गोल वाला अच्छे से रह रहा है। ठीक है, फिर बाय बाय।